हेलो एवरीवन, आज हम परसेंटेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कैट 2019 में पूछा गया है। इन 2010 अ लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन टू कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इन 2015 द लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल ऑफ 12,760 बुक्स इन दीज टू कैटेगरीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी while there was 12% increase in the non-fiction category. How many fiction books were in the library in 2015? And the options are? ये question एक easy level का question है, लेकिन अगर आप careful नहीं रहे इस question को solve करने में तो गलती हो सकती है। 2010 में total books हैं 11,500 और 2015 में हो गई हैं 12,760। इस दौरान फिक्शन बुक्स इंक्रीज हो गई बाय 10% एंड नॉन फिक्शन बुक्स इंक्रीज हो गई बाय 12%। हमें मालूम करना है 2015 में फिक्शन बुक्स कितनी हैं, और ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स 2010 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ फिक्शन बुक्स के बारे में बात की गई है एंड दे इंक्रीजेस बाय 10%। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में और एक हम यहाँ पर ऑप्शंस का सहारा लें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली, जहां हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक काम कर सकते हैं, जो फिक्शन बुक्स हैं उन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स 2010 में, तो जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं वो हो जाएंगी 11,500 माइनस एक्स। फिक्शन बुक इंक्रीज बाय 10%, तो अगर हम सिर्फ इंक्रीज के बारे में बात करें तो वो होगा 10% ऑफ एक्स। ऐसे ही नॉन फिक्शन बुक्स में इंक्रीज हुआ है 12% का, तो इंक्रीज होगा 12% ऑफ 11,500 माइनस एक्स। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल जो इंक्रीज है वो हमारे पास में आ जाएगा। ओवरऑल इंक्रीज इन दोनों का डिफरेंस होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1260। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यहां पर 100 एलसीएम ले लें तो वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस 12 इंटू 11500 माइनस एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू 1260। सो 10x, अच्छा यहां पर 100 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम 12 को अगर 11500 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 138000 माइनस 12x इज इक्वल टू 126000। 10x माइनस 12x हो गया है माइनस 2x, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 2x, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं और डिफरेंस ले लें तो दैट विल बी 12,000। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6,000। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये आंसर मार्क कर देंगे, बट ये गलत आंसर होगा। एक्स हमने 2010 की वैल्यू अज्यूम की है, 2015 में जो वैल्यू होगी वो इससे 10% ज्यादा होगी। 6000 का 10% होता है 600, तो इन दोनों को ऐड करने पर 6600, दैट मींस ये हमारा आंसर होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू चलना चाहें, क्योंकि फिक्शन की बुक्स के बारे में बात हुई है, जनरली आप वो वैल्यू चुनिए जो किसी वैल्यू से 10% ज्यादा है, और ये निकालना बड़ा आसान होता है। बिकॉज सपोज ओरिजिनल वैल्यू अगर एक्स थी तो उसको 10% बढ़ाने पर यू गेट इनटू 1.1। 10% बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं 110%। 110% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 110/100 और डेसिमल में लिखेंगे 1.1। तो अगर हम एक्स को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में 10% का इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो या तो ये वैल्यू आसान लग रही है या ये वैल्यू। अगर हम मान लीजिए इस वैल्यू से शुरुआत करते हैं तो ये हो गई है 5,500, उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 5,000। अब अगर x की वैल्यू 5,000 है तो रिमेनिंग बुक्स हो गई 6,500। तो शुरुआत में 5,000 फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन 6,500। यहां 10% का इंक्रीमेंट हुआ है 500 का, यहां पर हमें इंक्रीमेंट करना है 12% का। इसका 10% होता है 650, 1% 65, 2% 130, 650 में 130 ऐड करेंगे तो 780,
ऐसा करने पर 1280 वैल्यू आ रही है ओवरऑल इंक्रीज की, जबकि हमें मालूम है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है 1260 का. सो देन हम इसकी जगह इससे ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल गेट अवर आंसर एज 6600. तो ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं और सिस्टमेटिकली आप इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं.